आज मंगल बाजार को हटाने को लेकर फल विक्रेताओं और पुलिस में नोकझोंक हुई। कई फल लगाने वाली महिलाओं और लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस फोर्स ने महिलाओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। महिलाओं का आरोप था कई सालों से यहां फल लग रहे हैं, अब कुछ नेताओं दुकानदारों की शिकायतों पर यहां से फल हटाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे फल यहीं लगे रहें। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए नगर आए घनश्याम मीणा ने बताया, स्थानीय लोगों की शिकायत पर काफी समस्या होती है जो यातायात बाधित हो जाता है। कई सारे स्कूल कॉलेजेस उपस्थित हैं, जो बच्चे निकलते हैं उनमें काफी दिक्कतें आती हैं। जो महिलाएं हैं उनके साथ चैन स्नैचिंग काफी घटना भीड़ रहने की वजह से सामने आ रही थी। नगर निगम ने मंगल बाजार के विक्रेताओं के लिए 3 जगह चिन्हित कराई हैं, जिससे यातायात और स्थानीय लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। इससे ज्यादा मुझे कई सुविधा मुझे मंगल बाजार चालू हुआ, जब से नया बाजार लगा 6-7 साल है, 6-7 साल हो गई सर। हम यही चाहते हैं हमारा बाजार यही है, यहाँ से ज्यादा बाजार में कहीं नहीं जा रहे हैं। ये लोग सब अटवा रहे हमारी दुकान, कहाँ जाएगी सर? हम रोना लगाते हैं यहाँ पर मंगल बाजार में। मंगल बाजार में अब क्या परेशानी है? अब क्या लगने नहीं दे रही पब्लिक? कौन नहीं लगने दे रहा? अब जाने कौन या दुकान वाले कहते पुलिस भी आई है कि जाने वाले लगाएगा कि मंगल बाजार लगा नहीं। हमें तो ये चाहते हैं कि बाजार यहीं लगे, पुल के नीचे सरकारी जगह है। ये तो परेशानी किसको है? जाने दुकानदार कहते हैं हमारे सामने लगाते हैं, हमारे देखिए। कुछ स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने शिकायत की थी कि जो मंगल बाज़ार लगता है उसके चलते जो स्थानीय लोग हैं उनको आवागमन में काफ़ी समस्या होती है, क्योंकि जो यातायात है वो बाधित हो जाता है। साथ ही कई सारे स्कूल्स कॉलेजेस वहाँ पे स्थित हैं, क्योंकि बच्चे निकलते हैं उनको भी अपने घर जाने में काफ़ी समस्या आती है, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है। ये भी देखा गया था प्राय जो महिलाएँ हैं उनके साथ चैन स्नैचिंग आदि की भी शिकायतें वहाँ पर आ रही थी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है। उसी सबको मद्देनज़र रखते हुए जो नगर निगम है उन्होंने जो मंगल बाज़ार के जितने भी हमारे विक्रेतागण हैं उनको 3 जगह चिन्हित कराई हैं, जहाँ पे वो मंगल बाज़ार में अपनी दुकानें लगा सकती हैं, ताकि यातायात का जो समस्या है उसको दूर किया जा सके और स्थानीय लोगों को जो भी समस्या है उसको दूर की जा सके।